क्या महत्व है इस पूजा का? आज जो हमने पूजा की है वो ढेंढक माता की है, और परंपरा उन्हें माना है कि जब हम गोबर और मिट्टी का मेंढक बना के उसकी पूजा करते हैं, उनको माता का रूप देते हैं, और माता का रूप देकर हम उनकी पूजा करते हैं, महिला मंडल पूरा जिसमें आप सभी शामिल होते हैं, और मान्यता है कि ऐसा करने से बारिश हो। यूँ तो मान के चलना चाहिए कि जन जन्मांतरों से टोटके धोते रहे। हमारा देश परंपराओं का, मान्यताओं का, टोटकों का ये देश है, जहाँ मतलब पूर्वजों ने जो बात कह दी। अब आप उदाहरण देख लो, आप कभी बच्चा बीमार होता है तो अक्सर कुछ माताएं अपने वो डेढ़ मिर्ची उसको उसार करके फेंक देती हैं, उसका बुखार दूर हो जाता है। आपने देखा होगा कि बंदरिया के बच्चे को, बंदरिया का बच्चा बीमार जब होता है ना तो बंदरिया भी अपने बच्चे पर धूला उठार करके उसे उसार के फेंकती है। तो एक कहीं ना कहीं एक अंतरात्मा से माने कहीं ना कहीं प्रभु कहीं छुपा है जो हमें दिख तो नहीं रहा है, लेकिन हमारी वो आराधना को स्वीकार करता है। क्योंकि हम देश में, प्रदेश में और नगर में हम जल के लिए तराई तराई मचा रहे हैं, पानी नहीं गिर रहा है। तो इसी स्थिति में हमारे मेहतर वाल्मीकि समाज की महिलाएं मोहल्ले मोहल्ले बस्ती बस्ती जा करके अपने सिर पे एक मेंढक को डेंड की माता के रूप में उसको लेकर के घूमते हैं। और आज भी महिलाएं सब जो माता अहिल्या के प्रतिमा पर आई, माँ आशोमेत्रानी के मंदिर पर भी गई और आराधना करी कि नगर जो है प्यासा मर रहा है और जल की वृष्टि भी हो रही है, जल गिरे इसी उम्मीद को लेकर के यहाँ सब आए हैं।